हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि आज हम जिसका रिव्यू करेंगे और जो मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे वो J5 Prime। आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में मोबाइल है और ये इसमें इशू है कि ये चार्जिंग नहीं हो रहा है, चार्जिंग कनेक्टर इसका गड़बड़ है। सबसे बड़ा जो बड़े मोबाइलों में दिक्कत सबसे बड़ी जो आती है वो ये है कि इसके खोलने की, इसको डिसेबल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसको गर्म करके करना पड़ता है। और ये क्योंकि देखिए पीछे से कोई स्क्रू नहीं दिया हुआ है और बहुत से हमारे भाई ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कैसे खुलेगा कैसे खुलेगा, तो दुकानदार के पास उसका तरीका होता है खोलने का और फायदे से उसके लिए कुछ टूल्स वगैरह भी लगते हैं। जैसे ये फाइबर का है और इससे जो है इसे उभारा जाता है यहाँ डाल करके यहाँ डिस्प्ले के आसपास, और थोड़ा अगर और हार्ड होता है तो ब्लेड वगैरह भी लगा दिया जाता है यहाँ पे लगा करके और इसको उभारने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम गर्म करेंगे फटाफट जो है गर्म करके, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि गर्म मशीन भी हम आपको दिखाएंगे कि हीटर मशीन कौन सी है इसकी। तो आइए हम इसका जो है पिन वगैरह निकाल लेते हैं। दोस्तों ये है वो मशीन जिस पर हम रख करके उसे हीट करेंगे और हीट करके उसे उसका फोल्डर खोलेंगे निकालेंगे। तो इस पर हम रख देते हैं। और इसे ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों ऑन हो गया ये, और ये 29 है, ये तकरीबन 80% तक जाएगा। और वैक्यूम भी है इसमें, क्यूब भी है, और इसको दबा करके आप इसे जाम भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में इसे इसी तरह से हीट होगा, जब ये हीट हो जाएगा तो फिर उसको हम आगे आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं। दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत गर्म है और मैं इसे कपड़े से पकड़ कर कोशिश करता हूँ, पूरा गर्म हो गया है एकदम। अब यहाँ से इसको हम उबारेंगे धीरे धीरे करके। दोस्तों बड़े मोबाइल खोलने में ही ज़्यादा दिक्कत है, इसे थोड़ा सा अगर चूक हो जाएगा तो डिस्प्ले जा सकता है, इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। जो दूसरे हमारे वीएली भाई हैं बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जो है वो निकालते समय डिस्प्ले वगैरह तोड़ देते हैं या कुछ स्क्रेच आ जाता है उस पर, दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी किस्म की प्रॉब्लम इसमें आती रहती है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए थोड़ा सा मैं स्किप भी करूंगा इसे, और आपको मैंने तरीका बता दिया किस तरह से इसे उभारा जाता है और किस तरह इसे खोला जाता है। देखिए दोस्तों ये उभर चुका है, निकल चुका है थोड़ा सा, अब इसे धीरे धीरे करके हम निकालेंगे। एक बैग निकालेंगे तो टच टूटने का डर होता है इसमें, काफ़ी रिस्की मामला रहता है। ये पूरी तरह से हीट है लेकिन हाथ जल रहा है, लेकिन अब सब्र तो करना पड़ेगा। ये तकरीबन खुल चुका है अब, और हम इसे होल्डर को बाहर निकालेंगे। और आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो है इस डिस्प्ले का ये पत्ता है, ये जैक लगा हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट दिया हुआ है, पहले इस सपोर्ट को निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों
ये डिस्प्ले आपका बाहर हो गया, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद इसमें नट वगैरह लगे हुए हैं तो फटाफट हम इसे खोल भी लेते हैं। इसमें जो नट लगे हुए थे उसको हमने खोल लिया है और अब हम इसका दूसरा हिस्सा, मिडिल हिस्सा इसका बाहर निकालेंगे। दोस्तों बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, ये बहुत ही दोस्तों केयरफुली इसको करना पड़ता है ताकि जो है किसी किस्म की मिस्टेक ना आए मोबाइल के अंदर। बड़ा से बड़ा मोबाइल हो, छोटा से छोटा मोबाइल हो, इसमें रियलमी वगैरह का जो चल रहा है, बड़े बड़े मोबाइल, वो सब भी इसी तरह से मशीन से हीट करके खुलते हैं। ये देखिए हमने इसको बाहर कर दिया, ये प्लेट है और ये बैटरी है इसकी और ये इसका बैक पैनल है जिसमें स्पीकर वगैरह भी लगा हुआ है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। दोस्तों ये चार्जिंग कनेक्टर यहाँ पे है इसका, तो हम इस प्लेट को भी बाहर निकालेंगे। ये छोटे छोटे कनेक्टर जैक वगैरह लगे रहते हैं, उनको ख्याल से देख करके और कायदे से उनको बाहर निकालना रहता है। ये हो गया दोस्तों, ये प्लेट बाहर निकल गया। अब ये साइड में रख देते हैं, बैटरी वगैरह निकालना नहीं है उसका। अभी हो गया, अब इस ये देखिए दोस्तों चार्जिंग पिन इसका, जो छूटा हुआ है। अब हम इसको चेंज करते हैं। दोस्तों ये पिन चेंज करेंगे हम, तो आइए फटाफट इसको चेंज कर लेते हैं। आसानी से हीट करके और इसको निकाल दिया गया, बस फटाफट हम इसमें नया अप्लाई करेंगे। दोस्तों हम इसे थोड़ा सा साफ कर देंगे जो है आयरन की मदद से, पेस्ट लगा करके। ये पेस्ट होता है, कई तरह का आता है, ये जो है इस पैक में भी आता है, बढ़िया क्वालिटी का होता है, तो कई तरह के पैक में आते हैं, आप इसे भी ले सकते हैं, इससे मदद मिलती है सोल्डरिंग करने वगैरह में। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप तक आपके लिए लाता रहूं। अब इसका कनेक्टर हम SMD के द्वारा लगाएंगे ताकि आसानी से इसमें फिट बैठ जाए। अब इसके अंदर साइड से जो इसकी पिन है, इस पिन को बढ़िया से इसमें जो है सोल्डिंग कर देंगे ताकि जो है ये निकले नहीं। बस बस बस।